अभिषेक फ्रॉम ऑटोलॉजी इंडिया दिल्ली। आज एक धमाकेदार अपडेट ओबीडी स्टार ने मार्केट में रिलीज किया है, जो उन भाइयों के लिए ये न्यूज है जो ओबीडी स्टार का DC706 यूज करते हैं। ईसीएम रीड राइट करने का ये टूल है, काफी डिमांड टूल है इंडिया में। इसका डिमांड इसलिए है कि ये बॉस का जो MD1 है BS6 का और डेल्फी 7.1 का ईसीएम है BS6 का, उसको रीड राइट का ये है फंक्शन इनका। बाकी पुराने भी डेटा है इसमें ईसीएम का और TCM ट्रांसमिशन का, उसका भी है मेरे दोस्तों। तो ये बेसिकली इसके अंदर पीछे कुछ प्रॉब्लमें चल रही थी, जिनके अंदर चेकसम की दिक्कतें थी या दूसरी फाइल डालने पे प्रॉब्लम आ रहा था, वो कंपनी ने आखिरकार सॉर्ट आउट किया है। और काफी टाइम लगा है कंपनी को करने में, और लगे रहने के बाद, काफी कुछ करने के बाद ये अपडेट सॉर्ट आउट हुआ है। कंप्लीटली टेस्ट भी हुआ है, पूरा सक्सेसफुल रहा मेरे दोस्तों। तो बताने का मकसद ये है कि जो भी भाई इस टूल को लेना चाहते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को जो इंटरेस्टेड हैं या स्कैनर में, हमारी कंपनी के 5-6 ब्रांचेस हैं नियर बाई ऑफिस के, विजिट कर सकते हैं। मेन दिल्ली में ऑफिस है, एक आपका GSS स्कूल रोड HBR लेआउट बेंगलुरु में है, कलामना रिंग रोड नागपुर में है, एक आपका SR नगर मेट्रो स्टेशन के पास में हैदराबाद में है दोस्तों, एक ऑफिस है आपका केखाली कोलकाता में, एक है आपका कंकड़बाग रोड पटना में। सबके नंबर होते हैं, ये टूल को ले सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग है, सारी चीजें वहां रहती हैं। या कोई स्कैनर लेना हो या कुछ अलग से डिवाइसें लेनी है गैरेज से रिलेटेड, आप नियर बाई ऑफिस पे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इसके ऊपर बता दें कि कंपनी जो हमें टेस्ट करने के लिए दी थी दोस्तों, वो टेस्ट था जो कि 30.97, ये एक वर्जन था उनका, 97 वर्जन था वो टेस्ट करने के लिए दी थी, और टेस्ट काफी सक्सेसफुल रहा। वो 15 दिन पहले कंपनी ने टेस्ट दी, हालांकि टेस्ट में हम लोगों ने काफी देखा, काफी अच्छा लगा। हमारी भी टीम जो पटना में ऑफिस है वहां भी चेक किया गया, तो चेकसम का प्रॉब्लम नहीं था, गाड़ी ओके थी। और इसमें काफी मदद रहा, सारा कार जोन वाले मुज्जू हैं उनका भी हेल्प रहा कि चाइना में उन्होंने ईसीएम कुरियर डाला, वो टेस्ट करके रिपोर्ट दिए, तो उनका भी इसमें काफी श्रेय रहा कि इसको प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया गया। और दूसरा जो 97 में है, अब सभी भाइयों को ऑफिशियली जो रिलीज किया गया है वो 30.97 की जगह पे 31 वर्जन है। आपके अंदर जो अपडेट शो करेगा वो 31 वर्जन शो करेगा दोस्तों। तो ऐसे देखिए, जो कि हमारे पास 37 का जो वर्जन है वो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ थोड़ा सा, तो आप देखेंगे तो ये इनके अंदर जाने पे दो फंक्शन आते थे, आप इंजन का भी कर सकते हैं और ईसीएम का भी कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें MD1 मैं सर्च कर लेता हूं। अब ये आपको फाइनली जो 97 में हम लोगों ने टेस्ट किया था, इसमें देखिए अंदर जाने पे आपको एक नया चीज ऐड होके आ गया, ये चेकसम राइट जो फ्लैश पे देखिए CS लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो जो राइट इंट्रा फ्लैश पे CS लोगो बन के आ गया है, ये क्या है, चेकसम यानी ऐड कर दिया गया, इसका पहले नहीं था इसमें, तो इस तरीके से है। तो ये जो वर्जन है आपको, इसकी ये टेस्ट गाड़ी है हमारा, तो टेस्ट की जगह पे आपको दोस्तों मिलेगा 31 वर्जन। ये देखिए अपडेट में आपका चल रहा है 31 का वर्जन है, अभी किसी भाई ने आज अपडेट किए तो वो आ गया। तो ये 2 अगस्त का जो अपडेट है मॉर्निंग में रिलीज हुआ है, और ऑफिशियली तौर पे 31 वर्जन आपको करना है, सेम यही CS लिखा हुआ आएगा। जो भी आपका बॉस में प्रॉब्लम आ रही थी चेकसम की, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो सारा सॉर्ट आउट हो गया दोस्तों। अब रही बात हेल्प की, कि ये काफी अच्छा रहा। लास्ट मंथ हमारी टीम, हम लोग चाइना में थे, तो उस टाइम चाइना में टीम को, वहां के इंजीनियर को, उन लोगों को हम लोगों ने ये प्रॉब्लम बताया कि प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहां रहा है। हम लोग जब चाइना में थे तो इंजीनियर ने बोले, उनको हम लोगों ने काफी एक्सप्लेन किया कि ये प्रॉब्लमें आ रही है, ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो वो लोग बोले कि क्लोन डिवाइस है। तो हम लोग कहा कि हम एग्री करते हैं कि तुम्हारा आपका ये जो डिवाइस है क्लोन है, बट अगर हम ईसीएम रीड करके सेम फाइल को भी कॉपी कर रहे हैं तो चेकसम प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिर हम लोगों ने उनको बताया, करके दिखाया। जैसे कि लास्ट मंथ मैं चाइना में था, काफी गर्मजोशी के साथ कंपनी की टीम ने वेलकम भी किया हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं इस फोटो के अंदर। उसके बाद काफी उनको एक्सप्लेन करना पड़ा, एक प्रैक्टिकल करके हम लोग देखे, हमने अपनी लैपटॉप से उनको ये सारी फाइलें दी कि ये फाइल आप इसको यूज कीजिए, जो KT200 की फाइल है,
ये प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि ये टेस्टेड फाइलें हैं सारी, तो ये डालकर देखा गया कि ये प्रॉब्लम सच में फेस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वो शट आउट करने में उन्होंने टाइम लिया एक दिन। मैंने कहा कि हम लोग इसको चेकसम की प्रॉब्लम में ऐड कर देंगे दोस्तों। बट क्या है कि देखिए हमारी कंपनी का क्या है कि हम लोग ये सब चीज़ें आपको दिखाते नहीं है, ये इंटरनल मैटर है। मेन मैटर होता है कि आपका प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होना चाहिए, हम कराएं या कोई भी कराए। और ऐसा भी हम क्रेडिट नहीं ले सकते दोस्तों कि हमारी कंपनी ने इसमें हेल्प किया है। हालांकि सभी ने किया है, इसमें सारा कार्ड उनका भी काफ़ी हेल्प रहा। उन्होंने ईसीएम प्रोवाइड किया, चाइना तक ईसीएम कोरियर डाला, उनको जो जो ईसीएम चाहिए थी। तो एक लोगों की वजह से नहीं होता है, उसमें करना पड़ता है, सबको हेल्प करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है। आज दो दिन पहले भी काफ़ी चैटिंग हुई कि डेल्फी 7.1 में, तो उसके भी उन्होंने हमने कहा रिजल्ट अच्छा है उसका, तो पूछते रहते हैं। उन लोगों का काम है, उनकी टीम है, उनके लिए वो लोग बैठे हैं, उनका भी ये प्रोडक्ट है कि कैसे इसको हम अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। कंपनी काफ़ी पॉपुलर है वर्ल्ड लेवल पे, ओबीडी स्टार के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में, और फेमस फेमस टूल हैं, एयरबैग के टूल्स ये बेचती हैं, की से रिलेटेड टूलें बेचती है, बट हमारी कंपनी की से रिलेटेड काम नहीं करती है दोस्तों। तो ये प्रोडक्ट है, अभी प्रॉपर शॉर्ट आउट हो गया है। और जो जो भाई अपडेट नहीं किए हैं वो अपने डिवाइस को इंटरनेट के थ्रू अपडेट में जाएं, उसमें सबसे पहले एक स्क्रीन पे पॉपअप आएगा एप्लीकेशन को अपडेट करने का दोस्तों। वो एप्लीकेशन को यस करेंगे, वो डाउनलोड होगा पूरा प्रॉपर तरीके से, उसको फिर इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद से क्या होगा कि आपका सॉफ्टवेयर बंद होगा, उसको फिर आप डीपी पे क्लिक करेंगे मेनू के अंदर, यानी ओबीडी स्टार का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन तुरंत करेंगे, नहीं होगा, एरर आएगा। थोड़ा सा वेट करिए, एक मिनट के बाद ओपन करेंगे, एप्लीकेशन खुल जाएगा। खुलने के बाद अपडेट सेंटर में आपको जाना है, प्रॉपर तरीके से इंटरनेट अच्छा है वो अपडेट पूरा कंप्लीट कर दीजिए। फिर जो हम आपको पहले वीडियो में सीएस दिखा रहे थे, आप जाएंगे, आप MD1 सर्च करिए। MD1 सर्च करने के बाद से आप जाएंगे तो सीएस करके एक लोगो आपके अंदर भी वो इनबिल्ट हो चुका होगा। अब ये प्रॉब्लम आपके तरफ से भी आपके लिए भी शॉर्ट आउट हो गया, तो आप कनेक्ट करेंगे, VCI अपग्रेड भी होगा, सारी चीजें ओके होंगी, आप टेस्ट करना है टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। जिन भाइयों का इस तरह से टूल लेने का कोई प्लानिंग चल रही हो, हमारे नियर बाई ऑफिस में विजिट करके ले सकते हैं दोस्तों, जो कि सबके नंबर आपके सामने हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय।